आजमगढ़ जिले के फरिया रेलवे स्टेशन पर नव निर्मित रेलवे माल गोदाम तथा रेल दोहरीकरण का आज कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी उत्तर पूर्व रेलवे लतीफ खान के दर्जनों अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान क्षेत्र के संभ्रांत लोग उपस्थित रहे। सीआरएस नदीम ने स्पेशल सीआरएस ट्रेन से अपने कर्मचारियों अधिकारियों के साथ फरिया रेलवे स्टेशन पहुंचे। उनके पहुंचने पर वहां मौजूद अधिकारी बुके भेंट कर सम्मान करते दिखे और उसके बाद रेलवे स्टेशन के कार्यालय का निरीक्षण किया। आजमगढ़ नव भारत समाचार से कलीम आजमी की रिपोर्ट। मऊ से साहगंज तक का दोहरीकरण स्वीकृत है। उस क्रम में ये पहला खंड है आजमगढ़ के दोनों तरफ कि फरिया से लेकर के साठियों तक का दोहरीकरण का आज निरीक्षण करने के लिए आए हैं रेल संरक्षा आयुक्त महोदय। और वो अगर काम से संतुष्ट होंगे तो उनके ऑथराइजेशन के बाद इसके बीच में दोहरीकरण खुल जाएगा। फरिया के कुछ लोग ज्ञापन दिए हैं और कुछ लोग मांग अपनी रखे हैं, उस संबंध में थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पर मुख्य मांग जो है गाड़ी को रोकने को लेकर के है, तो उस संबंध में हम लोग मुख्यालय भेजेंगे। अल्टीमेटली इस पर माननीय रेल मंत्री जी का निर्णय होता है कि कहाँ पर किस स्टेशन पर किस ट्रेन का स्टॉपेज होना चाहिए, तो हम लोग अपने मुख्यालय को भेजेंगे, वहाँ से वो लोग संतुष्ट होंगे तो फिर रेल मंत्रालय भेजेंगे।